मैं डॉक्टर शीला पठारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देती हूँ और सिर्फ टैबलेट देती हूँ। मैंने एक टैबलेट का फार्मूला तैयार किया है और ये फार्मूले से यानी ये टैबलेट से हज़ारों लोगों को आज तक बच्चे हुए हैं। तो सिर्फ टैबलेट देती हूँ और आज तक मैंने एक भी पेशेंट का IUI IVF नहीं किया, सिर्फ टैबलेट से ही मेरे पास हज़ारों लोगों को बच्चे हुए हैं। तो जिनके गर्भ बार बार ख़राब होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, वो भी मेरे पास पेशेंट 100% आज तक सक्सेस हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गर्भ क्यों नहीं चिपकता है यानी इम्प्लांट क्यों नहीं होता। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे अंडा बनता है, अंडा यहाँ पे बनेगा, अंडे की साइज़ 18 mm चाहिए तब डॉक्टर आपको अंडा फूटने का इंजेक्शन दे देंगे। अंडा फूटने के बाद अंडा 24 घंटे तक 72 आवर्स तक अंडा फूट सकता है, यानी 3 दिन में अंडा फूटना चाहिए। अंडा फूटने के बाद यहाँ पे अंडा आएगा, अंडा यहाँ पे सिर्फ 24 आवर्स यानी एक दिन जिंदा रहेगा। अगर आज 10 बजे अंडा फूट गया तो कल 10 बजे तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद ये अंडा मर जाएगा। तो यहाँ पे अंडा आ गया और आपका रिलेशन हुआ तो यहाँ पे स्पर्म्स छोड़े जाते हैं, वो स्पर्म्स स्पीड से अंदर चले जाने चाहिए। उसके लिए आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा चाहिए, स्पर्म का स्पीड अच्छा चाहिए यानी मोटिलिटी अच्छी चाहिए, और आपके स्पर्म आपके हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी और स्ट्रांग चाहिए। तो ये स्पर्म्स अंदर चले जाएंगे और एक अंडे को सभी तरफ से चिपकेंगे और एक शुक्राणु यानी एक स्पर्म अंडे के भीतर चला जाएगा और उसका गर्भ में रूपांतरण कर देगा। यहाँ पे गर्भ बनेगा, फिर ये गर्भ यहाँ तक लाने के लिए 8 दिन लगेंगे। ये यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो अंडे को यानी गर्भ को आपके गर्भ को पुश करते 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 यहाँ तक लेकर आएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम रहेगा, तो एंडोमेट्रियम यानी अस्तर यानी बच्चे के लिए आपके बच्चे के लिए वो ये बेड है ऐसा समझो। ये गर्भ यहाँ पे आने के बाद ये एंडोमेट्रियम में चला जाएगा, इसीलिए आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कम से कम 15 से 20 mm तक चाहिए। अगर आपकी एंडोमेट्रियम 8 mm 9 mm अगर बनती होगी, 6 mm बनती होगी तो आपका गर्भ इम्प्लांट नहीं होगा। और ऐसे केसेस को हम इम्प्लांटेशन फेल्योर बोलते हैं यानी चिपकता ही नहीं गर्भ, तो ऐसे केसेस में इम्प्लांटेशन फेल्योर हम बोलते हैं। तो इम्प्लांट क्यों नहीं होता यानी गर्भ चिपकता क्यों नहीं, इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है आपके बच्चेदानी को यानी आपके गर्भाशय को यूट्रस को ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है। ब्लड फ्लो यानी छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है जो ब्लड कैरी करती है, ब्लड सप्लाई करती है आपके बच्चेदानी को। अगर आपकी ब्लड सप्लाई करने वाली जो छोटी छोटी धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स है, अगर वो ब्लॉक होगी, वहाँ पर ब्लड ही नहीं पहुंचता होगा, ब्लॉक हो चुकी होगी, तो आपके बच्चेदानी को अगर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो कहाँ से एंडोमेट्रियम बनेगा। यानी आपका ये जो एंडोमेट्रियम है वो 15 से 20 mm चाहिए, वो ट्रिपल लाइन चाहिए यानी 3 लेयर का चाहिए। अगर 3 लेयर का होगा और आपका एंडोमेट्रियम अंडा फूटने के दिन आपको सोनोग्राफी करेंगे, आपका फॉलिकल रप्चर हुआ, फॉलिकल रप्चर होने के टाइम पे आप सोनोग्राफी जब करेंगे, USG जब करेंगे, तब आपको इसकी साइज़ मालूम पड़ेगी, इसकी साइज़ समझेगी। और आपकी साइज़ अगर 10 mm 11 mm 12 mm अगर होगी तो 100% आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, उसी महीने में रुक जाएगी। लेकिन आपकी एंडोमेट्रियम अगर कम होगी तो फिर वो जो गर्भ है, सिंगल सेल एम्ब्रियो है, वो बाहर चिपक के बैठेगा और उसको माँ का खून नहीं मिलेगा, तो वो 1-2 दिन में मर जाएगा। तो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स है, अगर वो ब्लॉक होगी तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है
ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो आपका बच्चा बढ़ ही नहीं सकता। अगर इम्प्लांट भी हुआ, तो उसको ब्लड फ्लो ही नहीं है तो बच्चा बढ़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए बढ़ने के लिए, और उसको हार्मोन्स भी चाहिए। हार्मोन्स अगर होंगे तो ही बच्चा बढ़ेगा। हार्मोन्स क्या क्या होते हैं? ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है ब्लड में अच्छी भी होगी, लेकिन आपके बच्चेदानी को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो ब्लड आर्टरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, वो ही ब्लॉक हो चुकी होगी तो ये बच्चा बढ़ेगा ही नहीं। अभी ये बच्चा बढ़ने के लिए आपको ब्लड फ्लो चाहिए। फिर ब्लड फ्लो कैसे बढ़ सकता है? आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, आप बोलते हैं मुझे बहुत काम है, घर पे बहुत काम रहता है, काम से ही मेरी एक्सरसाइज होती है, ये गलत बात है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट आउटपुट बढ़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, यानी आपकी हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी, तभी आपकी हार्ट की जो पंपिंग से सब जो ब्लड वेसल्स है आपके बॉडी में, जो भी धमनियाँ है उसमें से स्पीड से ब्लड चला जाएगा और आपकी जो भी ब्लड वेसल्स है वो सब ओपन हो जाएगी और बच्चेदानी को भी ब्लड फ्लो उससे बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो बच्चेदानी को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो आपका एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम नहीं बना तो बच्चा इम्प्लांट नहीं होगा। इसीलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चेदानी को ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज में सबसे अच्छी एक्सरसाइज है रनिंग। आप 40 मिनट रोज़ रनिंग करो। रोज़ पहले दिन आप 5 मिनट करो, दूसरे दिन 10 मिनट करो। सिर्फ 5-5 मिनट बढ़ाने से 8 दिन में आप 40 मिनट तक जाएंगे, और आप 40 मिनट जब एक्सरसाइज रेगुलरली रनिंग करने लगेंगे तो आपकी बच्चेदानी को 100% ब्लड फ्लो बढ़ेगा। आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि एक्सरसाइज से कितना फ़ायदा हुआ है। प्राणायाम करने का है, मंडुकासन से भी, मंडुकासन आप देख सकते हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज आपको मंडुकासन भी सिखाते हैं, प्राणायाम भी सिखाते हैं। आप आस्था चैनल पे जाके देख लो एक बार, और मंडुकासन से भी आपके बच्चेदानी को ब्लड फ्लो बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार से भी आपके बच्चेदानी को ब्लड फ्लो अच्छी तरह से बढ़ेगा और जो भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और आपकी एंडोमेट्रियम भी अच्छा बनेगा। और तीसरी चीज़ क्या है? एक्सरसाइज हो गया। तीसरी चीज़ है आपको कैस्टर ऑयल का पेट को मसाज करना चाहिए, कैस्टर ऑयल का सेक भी लेना चाहिए। कपड़ा पेट पे बिछा के उस पर कैस्टर ऑयल डाल के उसके ऊपर एक पतली कैरी बैग रख के आपको गर्म पानी से सेकना है। इससे भी आपकी बच्चेदानी को ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। ये हो गया कैस्टर ऑयल मसाज, कैस्टर ऑयल का सेक, एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब करने से आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो एंडोमेट्रियम क्यों नहीं बनता? तो आपके ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है बच्चेदानी को, ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या है? जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन नाम का, जो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाता है, वो हार्मोन अगर आपके बॉडी में कम होगा तो भी आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तो ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स आती है, आप पीपल के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, 15 पत्ते लेने आपको, नमक के पानी से धोने हैं उसको, और फिर उसको कट करके, पत्तों को कट करके आपको 2 ग्लास पानी में उबालने के लिए रखने हैं। तो उबाल के, जब उबालते उबालते
आपका जो पानी है एक गिलास जब बच जाएगा तब वो आपको छान के पीना है। इससे ये रोज़ खाली पेट पीना है सुबह, इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल अच्छी तरह से बढ़ेगा, फिर आपका एंडोमेट्रियम लाइन भी अच्छा आएगा, गर्भ चिपकने के लिए भी फ़ायदा होगा। ये होगा पीपल के पत्तों का। अगला है मेथी दाना। मेथी दाना आप 2 चम्मच रात में एक गिलास पानी में धो के भिगो देना है और वो ढक के रखना है। सुबह उठते ही आपको वो पानी पीना है और वो मेथी दाना है वो आपको चबा चबा के खाना है। ये हो गया। और तीसरी चीज़ है आप सोया चंक यानी सोयाबीन की जो वड़ी आती है उसको आप सब्जी बना के खा सकते हैं। इससे भी आपकी एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाएगी और एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ने के बाद आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस एकदम अच्छा होगा। ये भी करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, मंडूकासन करो, सूर्य नमस्कार करो, ये सब चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट के साथ साथ करो और आपको पता चलेगा आपका रिपोर्ट में आपका एंडोमेट्रियम अच्छा होगा और आपको 100% प्रेगनेंसी भी रहेगी। तो मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो।